आगे सांप हमेशा नेवले से हार क्यों जाता है और नेवला हमेशा सांप से क्यों जीत जाता है, चलिए जानते हैं। देखिए नेवले और सांप के लड़ाई के मुकाबले में नेवला सांप से ज्यादा फुर्तीला रहता है। जैसे ही सांप नेवले को दबोचने वाला होता है तो नेवला इधर से उधर भाग जाता है और सांप नेवले को काट भी नहीं सकता क्योंकि नेवले की चमड़ी आमतौर पर बहुत मोटी होती है। मान लीजिए सांप अगर नेवले को काट भी लिया तो नेवले के अंदर सांपों का जहर नहीं फैलता और वो अपने आप ही अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है, इसलिए कितना भी जहरीला सांप नेवले को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दोस्तों क्या आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी है?